तेम्बा बवुमा की साउथ अफ्रीका के सामने कप्तान ऋषभ पंत की टीम इंडिया आज से मैदान पर दो दो हाथ करने वाली है और वर्ल्ड कप 2022 के अभियान की तैयारी भी करने वाली है। जी हां, आपने सही सुना, कप्तान ऋषभ पंत आज टीम इंडिया को लीड करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से बात करते हैं कि दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर पिच किस तरीके की होगी, आंकड़ा क्या कहते हैं और क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो केएल राहुल ग्रोइन इंजरी की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर हो गए और पिछले 6 महीने में यह तीसरी बार है जब इंजरी की वजह से केएल राहुल एक इंटरनेशनल सीरीज मिस कर रहे हैं। वहीं कुलदीप यादव को नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए हाथ में चोट लग गई है और वो भी इस पूरी श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं। I am really sad फॉर कुलदीप यादव। और आगे जाते हुए केएल राहुल की फिटनेस को भी बार बार असेस करने की जरूरत पड़ेगी जिस तरीके से वो बार बार इंजर्ड हो रहे हैं। लेकिन टॉक ऑफ द टाउन इज कप्तान ऋषभ पंत, जो कि टीम इंडिया के कप्तान बन चुके हैं और 5 मैच T20 सीरीज में उनको भारत की कप्तानी करने का मौका मिलेगा, यानी कि 24 साल का ये नौजवान लड़का अब टीम इंडिया की कप्तानी करने वाला है। और बहुत जरूरी होगा कि किस तरीके से राहुल द्रविड़ की अगुवाई वाला थिंक टैंक उनकी मदद करता है। 2016 में छोटे बच्चे थे जब राहुल द्रविड़ की कोचिंग में वो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे और अब उन्हीं की कोचिंग में उनको भारतीय टीम की कप्तानी करने का भी मौका मिलेगा। और शुरुआत उन्हीं के एक अमेजिंग स्टैट से। क्या आप जानते हैं कि IPL 2022 में स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन और लेग स्पिन के सामने ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 172 का था, यानी कि भाई केशव महाराज और तबरेज शमसी की थोड़ी यहां पर शामत आ सकती है, क्योंकि ओवर नंबर 6 से ओवर नंबर 16 के बीच जहां पर गेंदबाज स्पिन का इस्तेमाल करता है कप्तान और बल्लेबाज सिंगल डबल ले लेके थोड़ा सा गेम को डीप ले जाने की कोशिश करता है, वहां पर ऋषभ पंत ताबड़तोड़ पिटाई करते हैं। लेकिन क्या वो दिल्ली के मैदान पर ऐसा कर सकेंगे? तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। और इस मैदान पर T20 क्रिकेट की बात करें तो यहां पर अभी तक 6 मैचेस खेले गए हैं इंटरनेशनल T20 आई, जिसमें से 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 3 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां पर है 156 और सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर है यहां पर 145। आमतौर पर दिल्ली की विकेट थोड़ी सी स्लो होती है, थोड़ी सी स्पिनर को मदद मिलती है, थोड़ी सी गेंद फंस करके आती है, लेकिन बाउंड्रीज यहाँ की काफी छोटी है और आउटफील्ड यहाँ की बहुत तेज है। और रिसेंटली थोड़ा सा IPL में हमने देखा था पिछले साल, थोड़े से ज्यादा रन यहाँ पर बने थे, खास करके जब विकेट थोड़ी सी फ्रेश होती है तो 160, 170, 175 तक जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो जरूर रन बनाना चाहेगी। लेकिन इस बारे में किसी को भी शक नहीं है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यकीनन पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला लेगी, क्योंकि चाहे आप वेन्यूज बदल दो, मौसम बदल दो, देश बदल दो, T20 फॉर्मेट में यही चलता है और इस मैच में भी हमें यही देखने को मिलेगा। वहीं दोनों टीमों के बीच अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो यहां पर भारतीय टीम का पलड़ा साउथ अफ्रीका पर भारी है। अभी तक दोनों टीमों ने आपस में 15 मैच खेले हैं, जिसमें से 9 बार भारत जीता है, 6 बार साउथ अफ्रीका जीता है और लास्ट के 5 मैचों में भी 3-2 से भारत ही आगे है। लेकिन जब साउथ अफ्रीका भारत में आती है तो पता नहीं इंडिया को क्या हो जाता है। 4 मैचों में से सिर्फ 1 मैच टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से भारत में जीतने में कामयाब हुआ है और 3 मैच साउथ अफ्रीका जीत चुका है टीम इंडिया से। ये किस तरीके का जादू साउथ अफ्रीका करती है कि घर में जहां भारत किसी को भी आराम से हरा देता है, वहां पर साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारत पर काफी ज्यादा भारी है और साउथ अफ्रीका अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम लेकर के आया है, जबकि भारत के 7 महत्वपूर्ण खिलाड़ी उनकी टीम से नदारद हैं। अब अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो भारतीय टीम से शुरू करते हैं। यहाँ पर केएल राहुल की इंजरी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। वहीं श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर होंगे, उसके बाद नंबर 4 पर होंगे कप्तान ऋषभ पंत, देन हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल एंड आवेश खान। वहीं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ओपन करते हुए हमें दिखाई देंगे एडन मार्करन के साथ उनकी फिटनेस किस तरीके की है उस पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मार्को येंसन लेफ्ट आर्मर होने की वजह से हमें साउथ अफ्रीका की टीम में खेलते हुए जरूर दिखेंगे। अब क्या वो मार्करम और डिकॉक के साथ ओपन करते हैं, क्या रीजा हेंड्रिक्स के साथ ओपन करते हैं, तेम्बा बवुमा किस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, ये जरूर देखने में काफी
एक्साइटिंग होगा, लेकिन रैसी वंडर दूसरे मिडिल ऑर्डर में यकीनन खेलेंगे। डेविड मिलर का प्रदर्शन शानदार रहा था और दो स्पिनर्स के साथ साउथ अफ्रीका जरूर उतरना चाहेगी दिल्ली के मैदान पर, और मुझे लगता है कि शायद प्रेटोरियस की जगह वो जेंसन को भी खिला सकते हैं और नौरकिया रबाडा शंसी और केशव महाराज चारों से गेंदबाजी करवा सकते हैं। अगर दोनों ही टीमों से तीन तीन की प्लेयर्स मुझे यहां पर चुनने हो तो भारत के लिए मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल मेरे तीन की प्लेयर्स होने वाले हैं। श्रेयस अय्यर चूंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं क्योंकि वो स्पिन पर निकल निकल कर छक्के मारते हैं और इस मध्यक्रम के प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, क्योंकि ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ अभी काफी ज्यादा युवा है, तो नंबर तीन पर वो टीम को पकड़ कर रखना चाहेंगे। और पिछले सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भी श्रेयस अय्यर थे, तो वो भी उस फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। कप्तानी का भी एक दावेदार वो जरूर थे, लेकिन उनसे पहले ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो अपने बल्ले से वो इसका जवाब जरूर दे सकते हैं। वहीं युजवेंद्र चहल मुझे लगता है अपनी लेग स्पिन से दिल्ली की स्लो विकेट पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान करने का काम करेंगे, उन्हें करना पड़ेगा। और कप्तान ऋषभ पंत ना सिर्फ बल्ले से बल्कि विकेट कीपिंग करते समय अपनी कप्तानी से किस तरीके से गेम को हैंडल करते हैं वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं साउथ अफ्रीका के लिए तीन की प्लेयर्स की बात करें तो मेरा मानना है कि क्विंटन डीकॉक, रैसी वंडर डुसेन और कागिसो रबाडा तीन की प्लेयर्स होने वाले हैं साउथ अफ्रीका के लिए। कागिसो रबाडा बिकॉज ऑफ हिज जेन्युइन विकेट टेकिंग एबिलिटी, और क्विंटन डीकॉक का फॉर्म काफी ज्यादा शानदार था आईपीएल में, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में रैसी वंडर डुसेन भैया साउथ अफ्रीका के कपड़ों में कमाल का खेल दिखा रहे हैं, एंड दीज आर माई की प्लेयर्स फॉर दिस मैच। तो अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि लंबे समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, केएल राहुल का ना होना टीम इंडिया के लिए कितना बड़ा झटका है, और ऋषभ पंत की कप्तानी से आपको कितनी उम्मीदें हैं, और आपके हिसाब से भारतीय टीम का कौन प्लेयर टीम इंडिया को इस मैच में जीत दिलाने वाला है। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे जैसे कि मैं हूं, और अगर आप इसी तरीके के प्रीव्यूज देखना चाहते हो देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम the family, thank you so much for all your love and support। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे वर्ल्ड T20 आएगा, वैसे वैसे हर एक डेप्थ एनालिसिस हर एक चीज का यहां पर होने वाला है, so stay tuned for that and I will see you soon in the next video।